हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सीएनसी से रिलेटेड काफ़ी सारे मोस्ट टाइम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मशीनिंग ऑफ ए वर्क पीस द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय, तो मशीनिंग के दौरान मटेरियल कैसे रिमूव होता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मटेरियल शियरिंग एक्शन के मदद थ्रू रिमूव्ड होता है, ना कि ड्रिलिंग ना कि मेल्टिंग। ओके, मटेरियल शियरिंग की मदद से रिमूव्ड होता है। एंड द डेप्थ That tool is plunged into the surface is called as, जैसे कि यहाँ पर एक मिलिंग कटर है, वो मटेरियल में वर्कपीस में डेप्थ लेकर कट कर रहा है, तो उसे डेप्थ ऑफ कट कहा जाता है। सही आंसर है बी, डेप्थ ऑफ कट। फिट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, फिट कैसे मेजर किया जा सकता है, तो फिट जो कि mm पर रिवोल्यूशन में होता है या फिर इंच पर रिवोल्यूशन में होता है, यानी कि दोनों ही लेंथ के यूनिट है, लेंथ पर रिवोल्यूशन इसका राइट आंसर आएगा, तो लेंथ पर रिवोल्यूशन। CNC मशीनिंग सेंटर्स डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशंस लाइक, तो कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो फर्स्ट है मिलिंग है, बोरिंग है, वेल्डिंग है, टैपिंग। क्यों CNC में क्या मशीनिंग नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा वेल्डिंग। उसमें CNC मशीन में मिलिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, टैपिंग हो सकता है, ओके, वेल्डिंग नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन CNC सिस्टम्स मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल लर्स आर वर्क्स इन पैरेलल, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स है, वो सारे पैरेलल एक ही साथ काम करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन्स, क्या एडवांटेज नहीं है। ओके, फर्स्ट है हायर फ्लेक्सीबिलिटी, तो वो तो मिलती ही है हमें। इम्प्रूव्ड क्वालिटी भी हमें इम्प्रूव होगी, क्योंकि पूरा ऑटोमेशन पे है, हमने एक बार एक कंपोनेंट पे ट्रायल करके फिक्स कर दिया, तो सारी चीज़ें हम एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटी के साथ हम कंसिडर करके वो अचीव कर सकते हैं। रिड्यूस स्क्रैप रेट, अगर हमें पता चल जाएगा जैसे कि लॉन्ग बार है, उसमें से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्टिंग के थ्रू बना सकते हैं, तो जो स्क्रैप रेट है वो उसको हम कम कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट की स्ट्रेंथ वो CNC मशीन के थ्रू हम नहीं बढ़ा सकते, ये गलत चीज़ है। ओके, इन हाउ मेनी वेज द CNC मशीन टूल सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड, तो वो थ्री टाइप्स ऑफ उसका क्लासिफिकेशन है, तो वो कैसे है, तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है और कंटूरिंग ये फर्स्ट है, फिर है इंक्रीमेंटल एंड एब्सोल्यूट ये सेकेंडरी थिंग है, फिर है ओपन लूप एंड क्लोज लूप, तो ये तीन तरह की से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मशीन टूल को। नाउ पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम्स आर यूज फॉर, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किसके लिए यूज होता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर हम ये सारे देखते हैं कि रिमिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग एंड फेसिंग, तो जो कि एक होल क्रिएट करने के टाइप का एक ऑपरेशन होगा, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि है रिमिंग ऑपरेशन, सिर्फ हमें उसमें दो पॉइंट ही चाहिए, जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकेंड है वो है एंडिंग पॉइंट। जैसे कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा है कि सच सिस्टम आर यूज टाइपिकली टू परफॉर्म होल ऑपरेशंस सच एज ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, टैपिंग एंड पंचिंग, इस तरह की से जो ऑपरेशंस है जिनको हम पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम के थ्रू यूज कर सकते हैं। नाउ इन पार्ट प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग कैसी ट्रेजेक्टरी को हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें सही आंसर आएगा वो है हेलिकॉइडल। जैसे कि इंटरपोलेशन कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सेवरल एक्सिस यूजिंग द प्रोग्राम पैरामीटर इन सच वेज ऑब्टेनिंग अ रिजल्ट ट्रेजेक्टरीज, जिसमें हम दो या तीन एक्सिस को साइमल्टेनियसली एक साथ हम यूज करेंगे, तो ऐसी प्रोग्रामिंग है उसमें इंटरपोलेशन यूज किया जाएगा, तो हम यहाँ पर सही आंसर आएगा हेलिकोइडल, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड हेलिकोइडल। ओके, जैसे कि हेलिकल इंटरपोलेशन में जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सिस एक साथ वर्क करेंगे। फॉर अ CNC मशीनिंग स्किल्ड पार्ट प्रोग्रामर आर नीडेड, तो वो सही आंसर है, तो CNC कंपोनेंट बनाने के लिए जो प्रोग्रामर रहेगा वो स्किल्ड चाहिए हमें। ओके, एंड एब्सोल्यूट NC सिस्टम इज वन इन विच All position coordinates are referred to one fixed origin called as a zero point. तो ये भी सही चीज़ है। Arrange the below operation in operator control machine tool in a correct order. तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ अवेलेबल है कि इनको हमें sequence wise
सेट करना है, ऑपरेटर है, फिर है प्रोसेस प्लानिंग, फिर मशीन टूल है, फिर कंपोनेंट ड्राइंग है एंड कंप्लीटेड कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट ड्राइंग, हमारे हाथ में ड्राइंग आएगा, फिर प्रोसेस प्लानिंग, फिर वो कंपोनेंट से रिलेटेड हम उसकी मटेरियल से रिलेटेड एक प्रोसेस डिफाइन करेंगे, उसमें ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, प्लान करेंगे कि किन से कौन कौन से जो वर्क सेंटर्स है वहाँ पर हमें ये सेटअप्स वाइज लगाना पड़ेगा। फिर आएगा हमें मशीन टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने डिफाइन कर लिया है, पूरा प्लान कर लिया कि इतने इतने ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, तो मशीन टूल की बारी है, फिर है ऑपरेटर की बारी है, उसके बाद कंप्लीटेड कंपोनेंट। तो ये सारी एक सीक्वेंस आएगी, जैसे कि पहले कंपोनेंट ड्राइंग, फिर आएगा प्रोसेस प्लानिंग, फिर आएगा मशीन टूल, फिर ऑपरेटर एंड देन कंप्लीटेड कंपोनेंट। द डिवाइस फेड टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनसी मशीन टूल विच सेंड्स द पोजिशन कमांड सिग्नल्स टू साइडवे ट्रांसमिशन एलिमेंट टू द मशीन। तो वो एक फीडबैक यूनिट है जो कि पोजिशन कमांड, कहाँ एक्सिस कहाँ पर खड़ी हुई है उनकी पोजिशन रिलेटेड सिग्नल्स है वो सेंड करेगा। ओके, एंड एनसी यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल द पोजिशन फीडबैक पैकेज इज कनेक्टेड विथ द कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल। उसका आंसर रहेगा कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल से पोजिशन फीडबैक रिलेटेड है, कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द कंट्रोल यूनिट एंड पैनल ऑफ एनसी यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड सीएनसी जो है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इसका सही आंसर आएगा द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनसी मशीन टूल वर्क्स इन बैच प्रोसेसिंग मोड। हमें याद रखना है एनसी यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल है वो बैच प्रोसेसिंग मोड में वर्क करता है और सीएनसी में वर्क्स इन ऑनलाइन मोड, सीएनसी में ऑनलाइन मोड पे वर्क करता है जबकि एनसी में वो बैच प्रोसेसिंग मोड में काम करता है। इन सीएनसी मशीन टूल द पार्ट प्रोग्राम एंटर्ड इनटू द प्रोसेस मेमोरी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक बार हमने पार्ट प्रोग्राम इनपुट दे दिया मशीन को हमारी पैनल में, फिर हम उसका जब भी चाहे जब हमारा मन करे तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर सीएनसी मशीन टूल, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है सीएनसी मशीन टूल के लिए। तो सबसे पहले तो सीएनसी कंट्रोल यूनिट डज नॉट अलाउ द कंपनसेशन फॉर एनी चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द कटिंग टूल। कटिंग टूल के डायमेंशन में अगर कोई चेंज होगा तो सीएनसी मशीन सीएनसी कंट्रोलर है वो कोई कंपनसेशन नहीं देगा। ये स्टेटमेंट गलत है। हम अगर देखा जाए तो मशीन टूल में जो टूल है उसकी नोज रेडियस चेंज करे तो उसका कंपनसेशन हम कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। फिर है सीएनसी मशीन टूल आर नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, तो ये भी गलत है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन मशीन यूटिलाइजेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट इन सीएनसी मशीन टूल। तो मशीन का यूटिलाइजेशन कितना हुआ जब से वो स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा डेटा सीएनसी मशीन अपने आप देता है, तो ये करेक्ट आंसर है, जिसकी मदद से हम हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट के थ्रू सीएनसी मशीन टूल का यूटिलाइजेशन पता कर सकते हैं। सीएनसी मशीन टूल हैज़ ए ग्रेटर फ्लैक्सीबिलिटी, तो येस ऑफकोर्स हम आराम से अगर दूसरा जॉब क्लेम कराना चाहते हैं तो वो हम करा सकते हैं। सीएनसी मशीन्स कैन डायग्नोज द प्रोग्राम एंड कैन डिटेक्ट द मशीन डिफेक्ट इवन बिफोर द पार्ट इज प्रोड्यूस। तो अगर देखा जाए तो प्रोग्राम हमने बना दिया है, उसका सिमुलेशन हम देखेंगे तो वो प्रोग्राम रन होगा, कंपोनेंट बनेगा, उससे पहले ही हम वो हम डिफाइन कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा। सो ये उसके आंसर्स है, उसका सही आंसर सी रहेगा 3, 4 एंड 5। ओके, फिर सेवरल मशीन टूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल कंप्यूटर इन, तो ये एक डीएनसी है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिसमें सारे ही मशीन टूल्स है वो सेंट्रली हम उसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं, जिसे डीएनसी कहा जाता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल। ओके, पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड इन सीएनसी मशीन टूल, ऑफकोर्स वो एनसी में हम नहीं कर सकते। द मशीन टूल इन विच कैलकुलेशन एंड सेटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग कंडीशंस लाइक डेप्थ ऑफ कट, फीड स्पीड आर डन ड्यूरिंग द मशीनिंग बाय द कंट्रोल सिस्टम इट्सेल्फ इज कॉल्ड एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम डेप्थ ऑफ कट, फीड स्पीड सारी चीज़ों के बारे में खुद पता लगा सकते हैं, ये कंट्रोल सिस्टम खुद वेरीफाई कर सकते हैं। विच मशीन टूल रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सेटअप्स इन मशीनिंग ऑपरेशन
टाइम स्पेंड इन द सेटिंग मशीन टूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द सेक्शंस ऑफ मशीन. तो वो है मशीनिंग सेंटर. ओके, जहाँ पर मशीन टूल रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सेटअप. मशीन टूल खुद ही नंबर ऑफ सेटअप को रिड्यूस करेगा, कर पाएगा. एंड द ऑपरेशंस एंड टाइम स्पेंड इन सेटिंग. तो कंपोनेंट के लिए एक नया जॉब को सेटिंग करने में जो टाइम जाएगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम. और ट्रांसपोर्टेशन एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक हम करें तो ये मशीनिंग सेंटर के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं. विच काइंड ऑफ स्विचेस एग्जामाइन और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन आइटम और ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट विद देम. तो ये प्रॉक्सिमिटी स्विचेस है जो कि एक कॉन्टेक्ट के बिना ही वो पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं हम. विच बस फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स. तो वो है सिस्टम बस जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. विच यूनिट ऑफ द पीएलसी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेंस एसी वोल्टेज टू लो डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट्स एंड द इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स. तो वो है पावर सप्लाई यूनिट जिसके थ्रू हम एसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. विच मशीन टूल्स आर बेसिकली हैंडल एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल. जो कि सीएनसी मशीन्स especially at the manufacturing sectors. तो वो है mills, grinder and routers and lathes. ये सारी चीज़ें हम handle कर सकते हैं. CNC machine is the wildest application in field of mass production. तो एक जैसे कई तरह के component हम CNC machine के through बना सकते हैं जिसमें setting time हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर lathe के comparatively बात करें तो. Now ड्यूरिंग मिलिंग द कटर यूजअली मूव्स. तो यहाँ पर ये मिलिंग, ये वर्टिकल मिलिंग मशीन का एक यहाँ पर मैंने ड्रॉ की, यहाँ पर एक पिक्चर पुट की है. ओके, तो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. तो ये कटर है, यहाँ पर हमें एंड मिल जैसे कि दिखाई दे रही है. यहाँ ये टेबल है पूरा जेड, यानी कि ये पूरा टूल की मूवमेंट अप एंड डाउन, ये टेबल की मूवमेंट है एक्स एंड वाई में. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग मिलिंग द कटर यूजअली मूव्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. तो जो कटर है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव करती है यहाँ टेबल में, जैसे कि हम देख सकते हैं ये इनडायरेक्टली ये यहाँ पर टेबल मूव करेगा. ओके, द स्पीड एट विच द पीस एडवांसेस थ्रू द कटर, यानी कि यहाँ पर क्या है, द स्पीड एट विच द पीस जो कि हमारा कंपोनेंट है, वर्क पीस है, वो कटर की ओर मूव करेगा. तो उस स्पीड को क्या कहा जाता है, उसे फीड रेट कहा जाता है. ऑफकोर्स In the blank, the cutting action occurs the primarily at the end of the corner of the milling cutter. So, किस action में, किस operation में, तो वो है fast milling में, जो हमारे corner, insert के corner से end corners, उस पर cutting action होती है. Peripheral milling is well suited to the cutting of deep slots, threads, gear teeth. तो ये सारी चीज़ों में peripheral milling का यूज किया जाता है. मिलिंग कटर मे हैव अ सरफेस इज मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, ऑफ कोर्स सीमेंटेड कार्बाइड, ये दोनों में से ये मिलिंग कटर की सरफेस बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं आता है. द यूज ऑफ द कोटिंग ऑन द मिलिंग कटर्स विल इंक्रीज. मिलिंग कटर्स पे कोटिंग क्यों किया जाता है, उस कटर पे कोटिंग क्यों किया जाता है, कहते तो सरफेस हार्डनेस बढ़ाने के लिए मिलिंग कटर्स पे कोटिंग किया जाता है. कोटिंग इज फॉर द मिलिंग कटर्स. कितने कितने टाइप के होते हैं, तो है टिटानियम नाइट्राइड, टिटानियम कार्बोनाइट्राइड, एल्यूमिनियम टिटानियम नाइट्राइड, ये सारे कोटिंग्स होते हैं. गैंग मिलिंग, गैंग मिलिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ द टू और मोर मिलिंग कटर्स माउंटेड ऑन द, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो मिलिंग कटर्स है तो वो एक सेम एक्सिस पे माउंट होते हैं और हॉरिजॉन्टल का उनका सेटअप होता है. जैसे कि हम देख सकते हैं ये सेम एक्सिस पर ये दोनों मिलिंग कटर्स है और ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पर माउंटेड ऑन द सेम आर्बर इन हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेटअप. तो राइट आंसर आएगा बी, यस. इन द वर्टिकल मिलिंग मिल, मिलिंग कटर आर हेल्ड इन द, तो यहाँ पर कहा गया कि ये एक्सिस जैसे हम देख सकते हैं ये मिलिंग कटर की एक्सिस है, तो वो स्पिंडल है
ये एक्सिस है, ये स्पिंडल में मिलिंग कटर को ज्वाइन किया जाता है, यहाँ पर उसे लगाया जाता है और वो रोटेट करेगा, उसकी ही एक्सिस पर मिलिंग कटर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर द वर्टिकल मिलिंग कटर आर हेल्ड इन द स्पिंडल एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करेगा। यहाँ फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द वर्टिकल मिल, वर्टिकल मिल का यहाँ पर कौन सा टाइप है तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ वर्टिकल मिलिंग में क्या होता है, स्पिंडल स्पिंडल पर कटर को माउंट किया जाता है और स्पिंडल रोटेट करता है। और यहाँ पर जैसे कि टेबल है, टेबल की एक्स वाई एक्सिस में मूवमेंट रहती है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो बेड मिल और टरेट मिल, ये दोनों वर्टिकल मिलिंग से अलग है। तो यहाँ पर आंसर आएगा नन ऑफ अबो, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने फिगर रखा है, द टरेट मिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी स्पिंडल, उसकी स्पिंडल खुद ही स्टेशनरी होती है, जबकि वर्टिकल मिलिंग में ये जो स्पिंडल है वो रोटरी होती है, वहाँ पर कटर लगाया जाता है और वो कटर मूव करता है, यानी कि इनडायरेक्टली स्पिंडल रोटेट होती है। जबकि टरेट मिलिंग में जो स्पिंडल है वो स्टेशनरी होती है, एंड द टेबल विच इज मूव्ड इन अ परपेंडिकुलर एज वेल एज अ पैरेलल डायरेक्शन टू द स्पिंडल एक्सिस। ये उसकी फिगर भी है, अगर उसका गूगल करोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगी। उसका जो टेबल है वो परपेंडिकुलर एज वेल पैरेलल मूव करता है, और बेड मिल में भी क्या करता है, जो टेबल है वो परपेंडिकुलर मूव करता है। अ टरेट मिल, उसके रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन है, टरेट मिल हैज़ अ स्टेशनरी स्पिंडल एंड ए टेबल इज मूव्ड बोथ परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस टू अकम्प्लिश कटिंग इन बेड मिल। तो ये टरेट मिल की बारी थी, तो यहाँ पर है बेड मिल। बेड मिल में क्या करेगा, टेबल मूव्स टू द स्पिंडल एक्सिस, स्पिंडल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन में ही टेबल मूव करेगा। ओके, यहाँ टरेट मिल में क्या करेगा, टेबल है वो परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल मूव करेगा, जबकि बेड मिल में वो परपेंडिकुलर में ही मूव करेगा। एंड फॉलोइंग मिलिंग मशीन इज यूज टू कट गियर्स, गियर्स को कट करने के लिए कौन सा मिलिंग मशीन यूज होता है, तो वो है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ गियर कैन बी कट ऑन मिलिंग मशीन, तो इनमें से कौन से गियर्स को हम कट कर सकते हैं, वॉर्म गियर, स्पायरल बेवल गियर, स्पर गियर। तो ये सारे गियर्स को हम हॉरिजॉन्टल मशीन में मशीनिंग कर सकते हैं। अब जिग बोरर क्या है, जिग बोरर वो बिल्ट टू बोर होल्स, यानी कि होल कर सकते हैं हम इस मशीन का यूज़ कर कर, जिग बोरर का यूज़ कर कर, वेरी लाइट स्लॉट और फास्ट मिलिंग ये भी कर सकते हैं, टाइपिकली बेड मिल्स विथ अ लॉन्ग स्पिंडल थ्रू, तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें जिग बोरर है। मोस्ट सीएनसी मिलिंग मशीन्स आर कंप्यूटर कंट्रोल्ड वर्टिकल मिल्स यूज इन द डाई सिंकिंग, यूज इन द एनग्रेविंग एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ों का हम सीएनसी मिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन है सीएनसी मिलिंग की। पॉकेट मिलिंग इज एक्सटेंसिवली यूज इन एरोस्पेस इंडस्ट्री एज वेल शिप यार्ड इंडस्ट्री, इन दोनों में हम पॉकेट मिलिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन एंड मिल कटर, फ्लूड्स ऑफ द मिलिंग बिट आर डीप हेलिकल ग्रूव्स रनिंग अप द कटर, शार्प ब्लेड अलोंग द एज और होल्स, या नन ऑफ अबो। तो एंड मिल कटर है, उनकी फ्लूड्स आर मिलिंग बीट आर डीप हेलिकल ग्रूव्स रनिंग अप द कटर, तो ये इसका राइट आंसर ए रहेगा। इन एंड मिल कटर चिप्स आर पुल्ड अप द फ्लूट, एंड मिल कटर एज वेल ड्रिल है, इन दोनों में ड्रिल बीट में भी जो चिप्स है वो हेलिकल फ्लूट के थ्रू बाहर निकलती है। नाउ एंड मिल्स हैव कटिंग टीथ एट द वन एंड ऑन द बोथ साइड ऑन द साइड्स, तो ये भी करेक्ट आंसर है। उसके बॉटम में भी देखा जाए तो कटिंग एजिस है, और उसके साथ ही जो पेरिफरी है एंड मिल की वो भी कट करती है। फॉर मशीनिंग अ कास्टिंग ऑन लेथ इट शुड बी हेल्ड इन, अगर कास्टिंग का मशीनिंग अगर हमें करना है तो वो वहाँ पर हमें फोर्जो चक का यूज़ करना है, क्योंकि फोर्ज जो कास्टिंग रहेगा उसकी जो सरफेस है वो काफ़ी अनइवन होगी, तो उसको क्लैम्प करने के लिए अच्छी तरह से क्लैंपिंग फोर्स बनाने के लिए हमें उस कंपोनेंट को चारों ओर से पकड़ना पड़ेगा, उसको थ्रू करना पड़ेगा, जिससे हम इजीली मशीनिंग कर पाए। इन कैप्स्टन लाइट द टरेट इज माउंटेड ऑन शॉर्ट स्लाइड ऑफ द रैम स्लाइडिंग ऑन द सैडल, तो ये कैप्स्टन लेथ की बारी है। वहाँ पर टरेट कहाँ पर माउंट होता है, तो वो रैम पर माउंट होता है, जो कि सैडल
सेडल पर स्लाइड करता है। द पर्पज ऑफ टम्बलर गियर, टम्बलर गियर का पर्पज क्या है? तो वो है कट द थ्रेड, कट गियर, कट थ्रेड्स, रिड्यूस स्पिंडल एंड गिव, यस गिव डिजायर डायरेक्शन। कट थ्रेड के लिए टम्बलर गियर नहीं, बट टम्बलर गियर का यूज डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरेज, कैरेज को जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं उसमें करने के लिए टम्बलर गियर का यूज होता है। ओके, ऑन द बार टाइप बैरल लेथ वर्क टू बी मशीन्ड इन ग्रिप्ड इन कॉलेट। तो जो बैरल लेथ्स हैं उनमें जो वर्कपीस को माउंट किया जाता है उसको कॉलेट में किया जाता है। नाउ द पर्पज ऑफ चेजिंग डायल ऑन द लेथ इज टू अचीव अ पिकिंग ऑफ द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच कट। तो ये चेजिंग डायल का पर्पज क्या है लेथ में? तो थ्रेड को एक्यूरेटली बनाने के लिए। ओके, लेथ बेड मेड ऑफ, तो वो कास्ट आयरन में से बनते हैं। लेथ स्पिंडल हैज गोट एक्सटर्नल थ्रेड। ओके, जो लेथ स्पिंडल्स होते हैं उसमें ऊपर डायामीटर ओडी पे आउटर डायामीटर पर थ्रेड होते हैं, यानी कि उसे एक्सटर्नल थ्रेड बोला जाता है। लेथ सेंटर्स आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर, तो वो है मोर्स, मोर्स टेपर उसमें होते हैं। नाउ इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर्स ऑन ए टरेट लेथ कैन बी टर्न्ड बाय अ टेपर टर्निंग अरेंजमेंट। तो अगर हमें एक्सटर्नल और इंटरनल हमें टेपर्स चाहिए टरेट लेथ में, तो वो हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के थ्रू वो हम अचीव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड दैट द कटिंग एज ऑफ अ टूल बिट इज प्लेस एग्जैक्टली ऑन द वर्क सेंटर लाइन, वो है फेसिंग। फेसिंग में हमें ऐसा करना पड़ता है। द वर्क पीस मोशन एंड टूल मोशन रिस्पेक्टिवली इन अ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, तो वो कैसा रहेगा? ओके, सॉरी, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में, तो वो जो वर्कपीस का मोशन रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, एंड उसके बाद क्या कि टूल का मोशन कैसा रहेगा? टूल का मोशन ट्रांसलेशनरी रहेगा। ओके, तो वो एक्स वाई जेड में वो मूव कर सकता है टेबल, बट जो वर्कपीस है वो रोटेट करेगा। यहाँ पर वर्कपीस है वो स्टेशनरी रहेगा एंड जो टूल है वो रोटेट करेगा एज वेल एज वो ट्रांसलेटरी उसकी मोशन रहेगी। ओके, हाँ, द वर्कपीस मोशन एंड टूल मोशन रिस्पेक्टिवली इन वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो यहाँ पर वर्टिकल बोरिंग मशीन का एक फिगर है, तो उसमें टेबल है वो रोटेटिंग रहेगा, टेबल रोटेट करता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर वर्कपीस का मोशन कैसा रहेगा? तो वो रोटरी रहेगा, और उसके बाद जो हमारा टूल रहेगा वो ट्रांसलेटरी रहेगा। जबकि हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में क्या रहेगा? वहाँ पर जो जॉब है, जो वर्कपीस का मोशन है वो स्टेशनरी रहेगा, जबकि वर्टिकल बोरिंग मशीन में खुद टेबल ही मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो उस पर जो क्लेम किया गया वर्कपीस है वो भी रोटेट करेगा। यहाँ पर वर्टिकल बोरिंग मशीन में टूल है वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, जबकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, बोरिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वहाँ पर जो टूल है वो रोटरी रहेगा, उसके साथ ही ट्रांसलेटरी रहेगा। इन अ मशीन टूल्स चैटर्स, चैटर्स जिसे वाइब्रेशन भी कहा जाता है, वो किसकी वजह से होता है? वो सेल्फ एग्जिस्टेड रहता है। तो अगर हमारे मशीनिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी वर्कपीस को कट करते समय, तो वहाँ पर चैटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सेल्फ एग्जिस्टेड वाइब्रेशन है, चैटर है वो। इन अ लेथ द कैरेज एंड द टेल स्ट्रोक आर गाइडेड ऑन डिफरेंट गाइडवेज, तो कैरेज और टेल स्ट्रोक है वो दोनों को डिफरेंट गाइडवेज पर माउंट किया जाता है। हाफ नट, हाफ नट इज कनेक्टेड विथ द थ्रेड कटिंग ऑन लेंथ। हाफ कट कहाँ किसके साथ कनेक्टेड होता है? तो वो थ्रेड कटिंग ऑन लेंथ के लिए कनेक्टेड होता है। इन अ ब्लैंकिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग और जो शियरिंग पियर्सिंग है वो दोनों काफ़ी बेसिक्स है, दोनों में फंडाज है, दोनों में सिर्फ कुछ ही चीज़ों का फ़र्क है, बस वो डिफरेंस को ही हमें याद रखना है। वो हर बार कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों के बारे में तो बात होती ही है। इन अ ब्लैंकिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ सियर, तो यहाँ पर कहा गया कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में सियर एंगल किस पर होता है? तो ये ब्लैंकिंग की फिगर है, ये है पियर्सिंग की। तो ब्लैंकिंग में ये शियर एंगल कहाँ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंकिंग में इस डाई पर ये एंगल दिया जाता है, तो सही आंसर आएगा डाई।
फिर उसी तरह से द शियर एंगल इन द पियर्सिंग, अगर पियर्सिंग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पंच में ही शियर एंगल दिया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा पंच। द क्लियरेंस इन ब्लैंकिंग, अब ये पहली बात हो चुकी थी कि शियरिंग एंगल किस पर, पंच पर या डाई पर, तो यहाँ पर है कि क्लियरेंस एंगल कहाँ पर दिया जाता है, तो ये ब्लैंकिंग के बारे में, तो ब्लैंकिंग में पूछा गया तो ये पंच, जैसे कि साइज है तो जो भी साइज होगी डाई की उससे साइज माइनस टू सी, तो यहाँ पर ये गैप और ये क्लियरेंस, इतना गैप पंच को खुद को दिया जाता है, तो सही आंसर रहेगा पंच। जबकि पियर्सिंग में, पियर्सिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन, यहाँ डाई में देखा जाता है कि डाई को ही बड़ी की जाती है, साइज प्लस टू सी, यानी कि डाई में ही क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। नाउ इन पियर्सिंग एंड पंचिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ सियर इज प्रोवाइडेड, पियर्सिंग एंड पंचिंग वो दोनों लगभग सिमिलर ही ऑपरेशन है, तो उन दोनों में जो एंगल है सियर का एंगल, तो वो खुद पंच को ही दिया जाता है। नाउ इन ड्रॉइंग ऑपरेशन, ड्रॉइंग इंक्रीज ऑफ द पंच रेडियस, अगर हम पंच की रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वो डज नॉट इन्फ्लुएंस द पंच लोड, वो पंच लोड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अगर हम पंच की रेडियस बढ़ाएंगे तो, इंक्रीज करेंगे तो। इन ड्रॉइंग ऑपरेशन इंक्रीज ऑफ डाई रेडियस, अगर हम डाई की रेडियस बढ़ाएंगे तो वो पंच लोड को कम करेगा, पंच लोड को वो घटाएगा। नाउ इन, तो यहाँ पर हैज अ मच इन्फ्लुएंस ऑन पंच लोड एंड इट डिक्रीजेस, तो ये राइट आंसर आएगा ए। ओके, इन बेंडिंग ऑपरेशन द मेटल टेक्स शेप ऑफ, तो जो बेंडिंग में मेटल किसकी शेप लेगा, तो वो ऑफ कोर्स पंच की शेप लेगा। टू क्लीन अ फाइल, अगर फाइल को क्लीन करना है तो क्लीन विद अ फाइल कार्ड, फाइल कार्ड की मदद से हमें फाइल को क्लीन करना है। अ गुड लुब्रिकेंट फॉर अ कटिंग थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज मिनरल लार्ड ऑयल, वो है सबसे अच्छा थ्रेड कटिंग लुब्रिकेंट थ्रेड कटिंग के लिए। द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय अ लीड स्क्रू टू द कैरेज थ्रू हाफ नट, तो ये हाफ नट का, ये दोनों अगर आप देख रहे हैं तो ये हाफ नट है। ओके, एंगुलर क्लियरेंस प्रोवाइडेड ऑन डाइस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो हाफ डिग्री टू वन डिग्री, तो इसका सही आंसर रहेगा एंगुलर क्लियरेंस डाइज में कितना दिया जाता है, तो हाफ डिग्री टू वन डिग्री। टूल लाइफ इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मशीन, वो कटिंग स्पीड से मोस्ट अफेक्टेड है, कटिंग स्पीड जिसे VCB कहा जाता है, जो कि मीटर पर मिनट में जनरली दिया जाता है। टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर इफ अ पुअर सर्फेस फिनिश इज ऑब्टेंड, सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्स इन चैटरिंग टेक प्लेस, ओवर हीटिंग, फनिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन स्टार्ट, ये सारे इनके रीजंस है जब टूल लाइफ कम या कह सकते कि इंसर्ट है वो यूज हो गई या खराब हो गई। नाउ सेंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मेटल सर्फेसिज और वुड फाइबर्स बाय कटिंग, ओके सेंडिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फिर सेंडिंग बेल्ट्स आर मेड ऑफ क्लॉथ कोटेड विथ वेरियस ग्रेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द फ्रंट रैक रिक्वायर टू मशीन अ ब्रास बाय HSS टूल, तो वो रहेगा जीरो डिग्री। गैल्वेनाइजिंग क्या है, तो गैल्वेनाइजिंग है इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक बाय हॉट डिपिंग, तो जिंक का कोटिंग करना जिसे गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। नाउ सेराडाइजिंग क्या है, तो सेराडाइजिंग जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस है, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे सेराडाइजिंग कहा जाता है, जबकि अगर जिंक का कोटिंग किया जाए तो उसे गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। ओके, एनोडाइजिंग क्या है, अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस, नो एंड ऑक्सीडाइजिंग द प्रोसेस यूज फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल्स, ओके जनरली ये एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जैसे मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एंड ऑक्सीडाइजिंग ना अभी है द पार्कराइजिंग प्रोसेस किया, तो पार्कराइजिंग प्रोसेस अ प्रोसेस यूज फॉर द मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील टू एक्ट एज अ बेस और प्राइमर फॉर एनिमल्स एंड पेंट्स। द कटिंग टूल यूज इन द स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है? द कटिंग टूल यूज इन द स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की मदद से हम स्पार्क कर कर मेटल रिमूव करेंगे। ओके एंड ऑल द बेस्ट गाइस।